अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कतली मसालेदार, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए गैस पे एक कढ़ाई रख दिया था, 1.5 चुल्ली के करीब मैंने उसके अंदर ऑयल डाल दिया है, यानी 5 टीस्पून के करीब ये ऑयल है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 हरी इलायची, 3 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा खड़खल होने लगेगा उसके बाद ऐड कर देंगे आलू। आलू का छिलका मैंने निकाल लिया था और इसे मैंने पीस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने कट किया है, कतली का शेप है ना, बहुत ज़्यादा मोटा कट किया है और ना ही ज़्यादा पतला। ये बहुत ही अलग और मज़ेदार रेसिपी है दोस्तों, मेरी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आज आपकी आलू की कतली जो है बहुत मज़े की बनने वाली है। इसके अंदर मैंने आलू को डाल दिया है और 3 से 4 मिनट के लिए आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि आलू जो है 80% गल जाए। तो आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे निकालेंगे एक प्लेट में। बाकी के आलू को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। 1 प्याज लिया था, उसे बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज जले नहीं। तो दोस्तों, जब तक ये प्याज फ्राई हो रही है, तब तक कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। उसके लिए 1/2 कप मैंने दही लिया था, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। दोस्तों, आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले वगैरह दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का पिंक रखना है। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो दोस्तों, इसी स्टेज पे आप हरे धनिए का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। अगर आज से पहले आपने इसे कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जब तक कि मसाले भूनेंगे, धनिया भी अच्छे से उसके साथ कुक हो जाएगी। उसके बाद ऐड कर देंगे दही के साथ जो मैंने मसाला मिक्स करके रखा हुआ था, उसे डाल दिया है और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है ख़त्म हो जाए। तो मसाला अच्छे से भून गया है, इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 बारीक चॉप किए हुए हरे टमाटर। तो दोस्तों, गर्मियों का मौसम है, टमाटर ईज़िली आपको मिल जाएंगे। जो मार्केट जो पके हुए टमाटर होते हैं, तो कच्चे जो टमाटर रहते हैं वो हरे रहते हैं, उसके बाद पक जाते हैं तो लाल होते हैं। तो मैंने कच्चे टमाटर का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप रेड वाले टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू। तो दोस्तों, आलू को मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और प्याज दोनों एक साथ कुक हो जाएंगे, जब तक कि आलू गलेगा तब तक कि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आलू को ऑलरेडी मैंने 80% तक कुक कर लिया था, तो हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, कवर करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। तो आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी मज़े की बनी होगी, क्योंकि आलू जो है हर घर में अवेलेबल होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने आलू को चेक किया है, आलू अच्छे से गल गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रेड मिर्ची का इस्तेमाल कम किया था, इसलिए मैंने ऊपर से फिर से डाल दिया है चिली फ्लेक्स। इससे डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है
तो सूखी लाल मिर्च हो उसे हल्का सा दरदरा कूट लीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाल दिया है 1/4 कप के करीब, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 1.5 मिनट के लिए इसे कुक करना है। पानी ऑलरेडी गर्म था, मसाला अच्छे से भून गया था, आलू गल गया है यानी सब्ज़ी तैयार है। हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों आप इसे डिनर पे बनाइए, नाश्ते पे बनाइए, पूरी चपाती जिसके साथ भी सर्व करिए, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आपने आलू की सब्ज़ी बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आज मेरे तरीके से बना के देखिए, इंशाल्लाह आपकी फेवरेट होने वाली है। तो दोस्तों लास्ट में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा कसूरी मेथी जो कि मुझसे स्क्रिप हो गया था, तो अगर आपके पास हो तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं हो तो स्क्रिप कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया है ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो इसे मैंने कर दिया है सर्व। तो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बहुत आसान से आसान वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप आसानी से उसे बना सकें और फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक ही आप लोग की तरफ से इनाम होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह।